आज मैं बहन दमयंती की रसोई में मैक्सिकन राइस बना रही हूँ, जो खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं और एक मैक्सिकन डिश इसी से पहचानी जाती है। इसके लिए मैंने बॉइल्ड राइस लिए हैं, तीन तरह की बेल पेपर लिए है, रेड, ग्रीन और येलो। ये स्वीट कॉर्न है और ये बीन्स है जो हमने बनाए थे ग्रेवी में, जो टाकोज में यूज़ लिए थे वही ग्रेवी इसकी है। ये चिली फ्लेक्स है और पीसी हुई लाल मिर्ची है और बटर लिया है। बटर डाला हमने 50 ग्राम, बटर हमारा गर्म हो रहा है। ये तीनों तरह की बेल पेपर डाल रही हूँ और इसमें ये स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ। इसको थोड़ी देर सौटे करेंगे। हाफ टी स्पून मैं चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। आप मिर्च ये जो भी है मिर्ची है, चाहे ब्लैक पेपर है, रेड पेपर है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें ये बीन्स ऐड करूँगी। अब मैं इसमें ये बॉईल किए हुए राइस ऐड करूँगी। ये हमारे मैक्सिकन राइस बनके तैयार है। राइस का देखो कितना सुंदर कलर आ रहा है और देखते ही एकदम यम्मी यम्मी लग रहे हैं। आप ये मेरी रेसिपी अगर बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि मतलब कितना टेस्टी ये राइस बन रहे हैं। प्लीज़ आप मेरी रेसिपी ट्राई ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये हमारे राइस बनके तैयार हो चुके हैं। ये लास्ट में मैंने इसमें धनिया पत्ती ऐड कर रही हूँ जो खाने में बहुत ही अच्छी और खुशबू देता है। ये हमारे मैक्सिकन राइस तैयार है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं और इसको आप है ना मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक करके कैसा लगा मुझे सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तब मुझे भी पता चलेगा। थैंक यू।